अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अख्तर व्लॉग। आज मैं आया हूँ महाराजा इनका जो अपना मैन्युफैक्चर जहाँ होता है मैं वहाँ लेकर चलता हूँ और वहाँ देखेंगे इंशाल्लाह कैसे माल तैयार होता है, किस तरीके का एल्युमिनियम है, किस तरीके से शीट है, पूरा मैं दिखाऊँगा इनके कारखाना में। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं जिन्होंने महाराजा वीडियो को बहुत पसंद किया है वो देखेंगे कि ये महाराजा का अपना प्रोडक्ट जो इनका अपना प्रोडक्ट है वो किस तरीके से तैयार होता है और किस तरीके से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। तो आइए मैं चलता हूँ उनके कारखाने में। अब मैं आ चुका हूँ महाराजा के जो मैन्युफैक्चरर जहाँ पर ये कारखाना है मैं उनके पास हूँ। और ये दोनों भाई हैं, ये रमेश भाई, ये हमारे भाई है या गोस्वामी ना, तो ये दोनों भाई हमें गाइड करेंगे यहाँ पर क्या क्या मटेरियल क्या क्या बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, कहाँ से क्या है अब दिखाएं हमें। ये हमारा रॉ मटेरियल, अच्छा इसको एल्युमिनियम सर्कल चादर जो भी बोलिए दोनों एक ही है, एल्युमिनियम का थ्री सर्कल है। अच्छा ये एकदम न्यू प्लेट है ना, न्यू प्लेट है एकदम प्योर इंगोट वाली, मतलब इसमें हर साइज का है। हाँ सब साइज, ये छोटा बड़ा ये जैसे है 34.5 का हुआ, 35 का हुआ, बहुत सारा साइज है इसमें। अच्छा मतलब ये इसी मटेरियल से हम जो भी बनाना है बन सकता है। जो बनाना है जैसे कि बड़ा आइटम हुआ 28 का हंडी हुआ, 30 का हंडी हुआ, 30 हंडी में जैसे कि 42.5 इंची लगता है। अच्छा 32 का चलाने से उसमें 44 इंची लगता है, तो 44 इंची का मटेरियल मेरा बाहर में है। बाहर में है वो भी दिखा देते हैं आपको। चलिए, और ये सब मेरा छोटा स्मॉल वाला सर्कल है, ये सब सर्कल है। और ये अभी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ये अभी कुछ तैयार नहीं है। हाँ। और अगर तैयार होगा तो वो किस तरीके का होगा। हाँ। वो भी मैं अभी दिखाता हूँ अपने व्यूअर को। रॉ मटेरियल 44। हाँ। अच्छा इसमें कितने साइज का आइटम तैयार हो सकता है? 32 इंची हांडी होता है। 32 इंची हांडी, तो ये तो काफी बड़ा है भाई। हाँ। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। और ये प्योर एकदम आपका अल्युमिनियम है। हाँ, इंगोट का माल। अच्छा यहाँ पर गलाय वलाय का कोई सिस्टम नहीं है, एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल प्लेट है, एकदम ओरिजिनल है। चलिए ठीक है, ये क्या साइज है? 42.5। ये 42.5 साइज है ना। हाँ। इसमें क्या बनेगा? 30 हंडी बनेगा। अच्छा, और 28 का टुपिया बनेगा। टुपिया बनेगा, टुपिया और डेथ की एक ही आइटम, एक ही आइटम हुआ। हाँ, खाली बस डिजाइनिंग फर्क होगा। उसमें कोई आदमी ऐसा भी आता है जो बोलेगा बॉम्बे डेज की चाहिए, बॉम्बे डेज की भी सेम हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, ये महाराजा का मतलब अपना ये गोडाउन है, अपना ये कारखाना है। और बिल्कुल यहाँ बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, बहुत सारे वर्कर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारी मशीनें हैं, किस तरीके से यहाँ बनता है। ये देखिए किस तरीके से बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको बोला जाता है स्पिनिंग मशीन। अच्छा स्पिनिंग मशीन हुआ 6.5 फुट, 6.5 फुट, 6.5 फुट, 16.5 सेंटर, 16.5 सेंटर, सेंटर इसमें सर्कल ये डाइस बोला जाता है। हाँ, ये हड्डी का डाइस है। हाँ, अच्छा। और ये सर्कल हुआ चादर के लिए, चादर अभी जो दिखाया था मैंने वो यहाँ पर फिटिंग कर दिया गया। न्यूट्रल जो कहा जाता है, न्यूट्रल करने का सर्कल का, ये न्यूट्रल होगी यहाँ से। एक टार और न्यूट्रल करो, हाँ लागिए रखिए, ये न्यूट्रल हो रहा है, मेरा न्यूट्रल हो गया, रख दिए दो। ये प्लेट पे ग्रीसिंग हो रहा है स्लिपिंग के लिए। साइज मटेरियल 31.5 और हंडी साइज होगा 22, हंडी साइज होगा 22 ना। ये जो मटेरियल है वुडन है, वुडन का ये मेरा डाइस का पीस का भी बोला जाता है, 22 हंडी का पीस का।
इसके ऊपर फिटिंग देखिए, ये फिटिंग दिखाएगा ना। हाँ हाँ, होता है। हाँ, इसी तरह से एक एक पीस करके लगाया जाएगा मशीन में, मेंडल का साथ में, मेंडल का साथ लगा करके उसको फिट किया जाएगा, फिट करके फिर चलाया जाएगा स्पिनिंग। 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, 22 इंची हंडी, 6 पीस का डाइस, इसको बोला जाता बफर, इसको बोला जाता सेंटर। ये जो आउट भांग रहा है न्यूट्रल करने का, इसको बोला जाता न्यूट्रल करना। ये न्यूट्रल हुआ, ये न्यूट्रल हो गया। अब आगे की प्रोसेसिंग, लोहे की टूल आएगी, वह लोहे का टूल हंडी बनाने की प्रोसेसिंग चालू हो गई। एक हंडी का 2 पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है सेप, सेकंड पार्ट होता है गला। ये गला बनाया जा रहा है, न्यूट्रल करने का आउट काटा जा रहा है, छुरी से आउट काटा जा रहा है। हंडी का किनारी बन रहा है, ये किनारी बन करके आपका मोटा मोटी रेडी हो गया। ये रेडी, ये फिनिशिंग कटिंग, फिनिशिंग कटिंग, किनारी बन करके तैयार हो गया, ये रेडी हो गया। ये डिजाइन हो रहा है ना। हाँ हाँ, पॉलिश, फिनिशिंग में अच्छा हो, बेहतरीन सी फिनिशिंग देखा जाएगा, ये पूरा इसके लिए हाई रेडी हो गया। ओके ओके, ये देखिए, ये पूरा अभी जो प्रोसेस मैंने दिखाया था, ये पूरा सर्कल को किस तरीके से एक राउंड किया गया, राउंड करने के बाद ये देखिए, ये पूरा एक डिप्सी तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। पतीला जो मैंने दिखाया अभी बनते हुए, ये उसी का ढकना, उसी टाइप का ढकना है, मतलब इसमें हर साइज बनते हैं, सब साइज बनते हैं। तो आइए, ये सर्कल किया जा रहा है पूरा, मतलब रिसीव किया गया ना। हाँ, न्यूट्रल किया गया सर्कल का, ये न्यूट्रल हो गया, ये फिर से आपका सेट मिल गया है। ये प्लेट हो गया, और ये जो किनारी है कुछ प्लेट भी होता है, लाल रबर भी होता है। हाथे ही रखे, हाँ हाथे ही एक देखा भी। ये देखिए, ये पूरा तैयार हो चुका है, और सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, ये पूरे ढकना बन के तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया आपने। ये सब हमारे जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे ये इस कारखाने के वर्कर हैं तमाम, और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। ये देखिए, ये भी हैंडल जो है मेरा रॉ मटेरियल का ही है। अच्छा, फ्लोरिंग बोर्ड का जो माल होता है उसी से ये मोटा माल हैंडल बनाया जाता है। अच्छा, वही हैंडल से लेकर के हम लोग इसमें भी फिट करते हैं, फिट करते हैं, दूसरा हैंडल हम नहीं लगाते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम चमक रहा है। रिपीट भी मेरा फ्लोरिंग बोर्ड वाला ही है ना। हाँ चलिए, जो भी है मेरा सब प्योर का ही है।
अच्छा ये 6 रिपीट वाला और सारा 3 रिपीट भी आता है। 3 रिपीट भी आता है वही बात कंप्लीट। चलिए ये देखा आपने इस तरीके से ये दोनों तरफ लग चुका है। ये उठाने उठाने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो ये इनका स्टॉक रूम है, ये देखिए पूरा ऊपर में भी पूरा रखा हुआ है इस तरीके से। और ये देखिए ये इतना बड़ा स्टोर रूम। इधर आपको मिलेगा 18 से लेके 32 साड़ी तक। 18 हाँड़ी का भी हर किस्म का टाइप है, जैसा हुआ 18 हांडी मोटा, 18 हांडी लंबा ऐसा है, 20 हांडी का भी ऐसा है, 20 हांडी मोटा, 20 हांडी लंबा, 22 हांडी का भी ऐसा है, 24 हांडी का, 24 हांडी मोटा है, 24 हांडी हल्का है प्लेन वाला चालू वाला, 24 हांडी लंबा मोटा है, 24 हांडी मीडियम नाटा मोटा है, 24 हांडी लंबा है। इतना आइटम है, ये छोड़ के आपका 26 हांडी भी इधर मिलेगा। टोटल आइटम यहाँ पर जो भी बनता है पूरा यहाँ पर स्टॉक होता है, फिर यहाँ से फिर दुकान पे जाता है महाराजा में। महाराजा दुकान चले 28 हांडी है इधर। चलिए ये देखा आपने, ये पूरा गोडाउन जो है माल से भरा पड़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर हर प्रकार के आइटम यहाँ बनते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी हो, अल्मोनियम का टोटल आइटम इधर बनता है। इधर बनता है, देखिए जैसा हुआ हैंडल कीपिंग इधर है। हाँ, और सिर्फ वो हंडी नहीं, हंडी और डीजल का हर किस्म का माल का ढकना भी इधर रेडी है, पूरा रेडी है ना, कवर सब रेडी है, जो कवर जो ना हर किस्म का कवर है, कोई भी माल का सब कवर अवेलेबल है। ये देखिए ये इतना बड़ा बड़ा टिफिन और इससे भी बड़े बड़े टिफिन हैं इनके पास। मैंने दुकान में अगले वीडियो में आपको दिखाया है और इंशाल्लाह ये भी वीडियो आप लोग पसंद करेंगे जिस तरीके से मेरा उस वीडियो को आपने पसंद किया था। ये बड़ा हरिका, ये बत्री, ये हुआ बत्री साड़ी आपका पास है, ये वाला तीरी संडी है, वो वाला तीरी संडी आपको मिलेगा, ये वाला बहुत इधर संडी का है पूरा। वाव उसका, ये देखिए ये कितना बड़ा साइज है जो खुला पड़ा हुआ अच्छा। ये देखिए इतना बड़ा हांडी और ये प्योर अल्मोनियम से तैयार किया गया। और इसका गेज कितना होगा मोटाई, इसको क्या एमएम वगैरह कुछ ऐसा होता है ना? 30 एमएम है, 28 एमएम है, 18 एमएम का छोटा माल में 18 एमएम का हो। चलिए हर तो बोलता है 26 28 जिसमें अभी रिपीट हो रहा था ना। अच्छा चलिए, इसको टोपिया भी बोलते हैं ऐसे, इसको बम्बैया डेक्ची भी बोला जाता है। हाँ, 18 से लेके अप टू आपका 26 तक टॉप है। इनमें से माने एक है नाटा हाइट का भी है, छोटा हाइट का और लंबा हाइट का भी है, भारी वाला माल। अच्छा ये सब टॉप है ना? हाँ, सब टॉप है। अच्छा ये सब टॉप है जो पाइप हुआ पड़ा हुआ है। हाँ, इधर में टोपिया है, 24 इंच, 22 इंच, चाप होता है ना, चिकन चिकन चाप, मटन चाप, उसके लिए चाप रखने वाला बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से यहाँ जो भी प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ इसी कारखाने में ये तैयार होते हैं। कप है, उधर में भी टॉप है, ये सब हांडी है, छोटा साइज का हांडी शॉप है। ये गमला देख रहे हैं उधर, वो सब छोटा आइटम है, बड़ा आइटम भी है, ये रिंगबॉल है, गमला है, थाला है, कड़ा जिसको बोलता है जी, ये सब आपको मिलेगा। छोटा टोपिया है, साइज वाला सेट टोपिया, सेट टोपिया आपको मिलेगा उधर, 10.5 से 13 तक सेट टोपिया है, ये पूरा सेट है। हाँ, 10.5 से 13 तक। इधर में है 14 से 16 तक, 14, 15, 16 तीन साइज। हाँ, तीन साइज का टोपिया इधर में। और से सबसे जो चीज है, जितना माल है हम लोगों को, अगर कोई ये आइटम दुकान से मांगा, ऑर्डर दिया, हमको तुरंत माल निकल के ठेला में हो, जो भी हो, डिलीवरी में देने के लिए हम लोग का बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। जो एक एक किस्म का माल है, देखिए एक एक लाट में लगा हुआ है, मतलब ये संग डिलीवरी, संग देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं लगेगा, हम लोग ऐसा हिसाब से रखते हैं। उधर में देखिए आप, थाला का अलग अलग साइज है, ये सब जितना थाला है, गमला है, सब अलग अलग साइज में रखा हुआ है, सब अलग अलग साइज में। ये देखिए पूरा स्टॉकेज है, पूरा माल स्टॉकेज, गमला है, थाला है, और ये देखिए ये कढ़ाई भी है, बहुत जबरदस्त पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए
ये इस तरीके से पूरा जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये अपना इनका अपना मैन्युफैक्चरर है। सबसे बड़ा वाला थाला ये सबसे बड़ा वाला थाला है ना, ये जैसी थाला है ना, हाँ ये सबसे बड़ा। आपको 18-20 तीजार मिल जाएगा, हाड़ी भी 18-20 सब साइज का हाड़ी तीजार आपका पास इधर मिल जाएगा एकदम आराम से। उधर भी टोपिया है, इधर आपको 16 तक का टोपिया दिखाया हम लोगों ने, इधर है 17 टोपिया, 18, 20, 19 टोपिया इधर है। 17 टोपिया जो है वो हैंडल वाला भी है, कोई मांगेगा तो सादा भी मिलेगा। अच्छा, मतलब विदाउट हैंडल भी मिलेगा, विदाउट हैंडल भी मिलेगा, हैंडल वाला भी मिलेगा। इधर से छोटा टोपिया का बात होता ना, हाँ इसी मांग रख दिया या फिर जरूरत पड़ता संग पैकिंग हो जाए। हाँ तो दुकान में तो मतलब जो भी ऑर्डर पड़ेगा दुकान ही पे पड़ेगा, और वहाँ से यहाँ से माल वहाँ डिलीवरी हो जाएगा, वहाँ से फिर जो पार्टी को जाना हो चला जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा लगा। हर किसी का साइज का माल मिल जाएगा। ये बम्बैया टैक्सी का जो ढकना, जिसको हम लोग ढकना बोलते हैं, कवर बोलते हैं। नमस्कार सर। तो मैं आज आपके कारखाने में आया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत ही माल स्टॉकेज बहुत है, इतना तो भाई मैंने कहीं नहीं देखा। अभी ऊपर नीचे बहुत सारा स्टॉक है, और पार्टी अगर चाहेगा तो वन टाइम में मतलब वो करोड़ों का भी माल खरीद सकता है जैसा आइटम है। तो बताइए अब थोड़ा सा अपने कारखाने के बारे में, दुकान के बारे में तो अपने बताइए। ये हम लोग यहाँ क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, 100% भी प्योर एंगोट का माल से सर्किल से बनाते हैं हम लोग शीट जो भी है। वो तो रमेश भाई ने बताया कि जो प्लेट जो सर्कल जो दिखाया गया वो एकदम प्योर ही है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है। तो यहाँ मतलब मैं अपने व्यूवर से दरख्वास्त करूँगा कि आप महाराजा में डायरेक्ट आप फ़ोन नंबर उनका दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप उनसे बात करें। अगर आप डेकोरेटर का काम करते हैं तो बेझिझक यहाँ से माल खरीदें, आप हर साइज के माल और जो भी माल चाहेंगे, टोपिया हो चाहे बड़ा बिरयानी का देग हो, मतलब टोटल आइटम यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। और माल तो अभी मैंने दिखाया आपको, यहाँ माल की कोई कमी नहीं है, आप जितने बड़े भी डेकोरेटर हो पूरा टोटल सामान यहाँ पर मिल जाएगा। कैटरिंग का कोई भी आइटम बात नहीं है, सब अवेलेबल, एकदम अवेलेबल, रेडी स्टॉक है हमारे पास। चलिए तो इसी बात में मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।